गुरु मंत्र विद दाती महाराज YouTube का यह मेरा चैनल है और YouTube के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमन है। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरु मंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहाँ देखें, वहाँ एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप चाहते घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरु मंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते, नमो नारायण। नमो नारायण। 4 जून 2018 सोमवार का दिन है भाई। कुछ मित्रों ने सवाल किया है कि शादीशुदा जिंदगी, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, पारिवारिक जीवन में कलह रहता है, अशांति बनी रहती, क्या करें? भगवान शनिदेव की आराधना करिए। लगातार 40 शनिवार श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी आके देखिए, सारे पारिवारिक कष्ट मिल जाएंगे। अपने गले में 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में धारण करना और लगातार 40 शनिवार आप शनिधाम आते हैं, प्रभु की दया से आपके कष्ट जरूर मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के पंचांग की, बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 4 जून का जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा, भाग्य में उन्नति नहीं हो रही, प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव का ध्यान करते शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें, तत्पश्चात त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वा रुक्मि वंदनात् मृत्यु मुमुक्षुमा अमृतात्, इस मंत्र का जाप करते 108 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। लगातार 108 दिन कर दीजिएगा, संपूर्ण कष्टन छुटकारा मिल जाएगा। अब कदम भरने जा रहा हूँ ग्रह नक्षत्रों की ओर और मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं सोमवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। तारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे नहीं रही है भाई। कार्य क्षेत्र में बाधा, अधिकारी वर्ग का सहयोग नहीं मिल पाएगा, किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना, खर्चा बढ़ेगा, मानसिक तनाव, विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करें, यात्रा में कष्ट, ये गोचर का संकेत है मेष राशि वालों। इसलिए कार्य क्षेत्र में ध्यान दें, सरकारी अधिकारी या अपने अधिकारियों से बनाकर रखें, पैनी दृष्टि रखें, खर्चों पर काबू रखें और विरोधी की कमजोर नहीं समझे। छोटा सा उपाय, अपने पूजा स्थान में गाय की घी का दीपक जलाएं, संकट मोचन हनुमान अष्ट का पाठ करें और श्रद्धानुसार गुड़ कंजकों को दान में दीजिएगा, समय अच्छा बीतेगा। क्या करें, दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें, क्या ना करें, आलस्य से अपने कार्य को न बिगाड़े। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा और परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा, घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे, व्यवसाय में उन्नति होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। नमो नारायण। क्या करें, जो आपसे छोटे हैं उनकी सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, वाणी की अनुकूलता से सारे कार्य बनेंगे, वैसे भी गोचर ठीक है, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कारोबारी संबंध अच्छे रहेंगे, कारोबार में धन लाभ भी होगा, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी काम बनेंगे और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, बस विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें और आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।
विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम दिन है और घर में मेहमानों का आगमन लगा रहेगा। क्या करें, कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता कर लीजिए। क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना करें, ना मनाएं। मेष वृषभ मिथुन की बात करी, करक सिंह कन्या की बात कर लेंगे, उससे पहले सोमवार का राहु काल और सोमवार की यात्रा। सोमवार का राहु काल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक, और राहु काल तो शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी मर्जी है आपकी। और बात करते हैं आज की यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से आज के दिन शुभ मानी गई। मेरा ये कहना है कि समय और साधन बदल गए, आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन आज के दिन महादेव के श्री चरणों में गाय का घी का दीपक जलाइए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकम् वंदनाथ मृत्युममोक्षेमामृतम् या ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पर जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, ग्रह गोचर शुभ फल देने में सक्षम है, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, घरेलू समस्याओं का समाधान होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा और धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे। क्या करें, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बना के रखें। क्या ना करें, किसी से भी झूठे वादे ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, चंद्रमा प्रातःकाल की थोड़ी देर बाद 12वें घर में चला जाएगा और प्रातः 10 बजे के बाद समय अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है, अशुभ फलों की ओर इशारा कर रहा है, कारोबारी स्थिति मंदी रहेगी, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, किसी निकट साथी से धोखा संभव है, मन में उदासीनता और निराशा के भाव भी होंगे और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। लेकिन 10 बजे प्रातः सूर्य उदय से लेकर 10 बजे तक का समय ठीक है, लेकिन उसके बाद का समय सावधानी का छोटा सा उपाय जरूर कर देना। आज निर्धन गरीब किसी सुहागन स्त्री को वस्त्रों का दान दीजिएगा, भगवान सूर्यदेव आपकी रक्षा करेंगे। क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें, अपनों के साथ मतभेद न रखें, न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, समय अनुकूल है, समय आपके पक्ष में करवट ले रहा, भाग्य आपका साथ देगा, अपना का सहयोग मनोबल को बढ़ाएगा, स्वप्रयास से समय पर कार्य पूर्ण कर पाएंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे, समाज में यश और मान बनेगा, परिवार का साथ और पैसा भी मिलेगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में पूंजी निवेश करिए, लाभ मिलेगा। क्या न करें, किसी को उधार धन न दे, न मना रहे। कर्क सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, लेकिन उससे पहले वास्तु सलाह आज का सुझाव। वास्तु सलाह, घर के उत्तर पूर्व कोने में कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। यदि किसी ने भी आपको भयभीत किया हो तो ईशान कोण में बड़े कलश में गंगा जल भर दीजिए, उसके ऊपर एक लोटा चावल से भरकर रख दीजिए, उसके ऊपर कलावा बांधा हुआ नारियल लग दीजिए और रखिए आप। ऐसा करने से संपूर्ण वास्तु दोषों से छुटकारा मिलेगा, ये अद्भुत है। पर हर हफ्ते उसको बदलते रहिए, नया रख दीजिए, पहले वाले चावल पक्षियों को डाल दिए, जल प्रवाह कर दीजिए, ये अद्भुत उपाय आप करके देखिएगा, न मनाएं। और बात करते हैं आज के सुझाव की। यदि सामाजिक वर्चस्व में कमी है तो आज 12 के 12 राशि के लोग गुड़ और बेल का फल भगवान सूर्य को भोग लगाइए, बड़ा लाभ मिलेगा, वर्चस्व में वृद्धि जरूर होगी, न मनाएं। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, ग्रह के शुभ सितारों के शुभ संकेत, परिश्रम से प्रतियोगिता में विजय हासिल होगी और धन संबंधी मामले सुलझेंगे, आज समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा, माता पिता प्रियजनों के सहयोग से प्रसन्नता होगी, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय आप आपका अच्छा है। क्या ना करें, किसी से व्यर्थ में वाद विवाद ना करें, नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत है, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, सरकार से लाभ, परेशानियों से मुक्ति, पारिवारिक सहयोग से संतान संबंधी कष्ट से छुटकारा,
थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कारोबार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, आपको सफलता मिल जाएगी। हाँ, शेर और सट्टे से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। क्या करें, मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें, चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में दखलअंदाजी ना करें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, गोचर जिस तरह का है वो अनुकूल फलों की ओर इशारा नहीं कर रहा है भाई। कारोबार में परेशानी आ सकती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, किसी तथाकथित निकट के साथी से धोखा मिल सकता है, मन में उदासीनता और निराशा के भाव, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। गोचर यही संकेत दे रहा है, बाकी आप देख रहे हैं। छोटा सा उपाय, पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान दीजिए, जो बड़ी मजदूर वर्ग की महिला उसको दान में दीजिए, उसे भोजन करें, उसे पीले वस्त्रों का दान दीजिए, अच्छा रहेगा, ईश्वर आपका भला करेगा। क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद न रखें, न मनाएं। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूँ, लेकिन उससे पहले उपाय, देसी नुस्खे और मुद्राओं की चर्चा। लाख कोशिशों के बावजूद भी रोजगार में परेशानी है। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की, हर दृष्टिकोण से आप ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कैरियर को लेकर परेशान है, रोजगार के साधन नहीं है, तो किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र दिन सहदेवी की जड़, सहदेवी का पौधा जड़ से लेकर आ जाइए। जल गंगा जल से पंचामृत पवित्र शुद्ध कर लीजिए, पंचपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, केसर से तिलक करिए, शुद्ध आसन पर आप इस पौधे को रख दीजिए। रुद्राक्ष की माला, ओम अनंत नित्याय नमः, इस मंत्र की 7 माला जाप कर, जाप के उपरांत इस जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर ताबीज का रूप देकर दाहिने हाथ में धारण करें, बहुत लाभ मिलेगा। नमनायन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। यदि बहुमूत्र रोग है, मूत्र विकार है, यूरिन प्रॉब्लम है, तो अधपके केले को धीमी आंच में भून लीजिए, थोड़ा सा काला तिल और शहद मिलाकर दो दिन में 3 बार सेवन करें, आप करके देखिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। नमनायन। और अब बात करते हैं मुद्राओं। यदि बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, मन कहीं नहीं लग रहा है, ऐसी अवस्था में ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और अंगठा का मिलान, यह है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में 16 मिनट बैठकर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमम क्षेमामृतात्, इस मुद्रा का अभ्यास करिए, बेचैनी से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है ये मुद्रा। बस आलती पालती मार लीजिए, एकदम हाथ सीधे और आकाश की ओर, हथेलियां आकाश की ओर, कमर एकदम सीधी, कोई तनाव नहीं। इस मुद्रा में मृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र या ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करी, बेचैनी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाना मेरे भाई कि प्रॉब्लम क्या है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर की अनुकूलता से संकेत नजर आए कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, व्यवसाय की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नौकरी की स्थिति अनुकूल रहेगी, यात्रा बड़ी लाभदायक रहेगी, परिवार पक्ष, ससुराल पक्ष, ननियाल पक्ष सब आपके पक्ष में रहेंगे आज, और मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, जीवन में मधुरता है आज, आज सुकून है, शांति है, सहजता है। क्या करें, नए लोगों से संपर्क बढ़ाए। क्या ना करें, बिना सोचे समझे पूंजी निवेश ना करें। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ग्रह गोचर की शुभता उत्तम लाभ का संकेत दे रही, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, नवीन कार्य में विचार करेंगे और अधिक सफल, धन संबंधी समस्या नहीं रहेगी, सुख के साधन बढ़ेंगे, घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी संपन्न होगा। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखना, बने बनाए सारे खेल बिगड़ जाएंगे। क्या ना करें, लापरवाही नहीं करें भाई, न मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों,
गोचर ये संकेत दे रहा है कि परिश्रम से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यदि कार्य क्षेत्र में संयम से कार्य किया तो सारे रुके हुए कार्य बनेंगे आपके सारे। हां, स्वजनों का सहयोग की आवश्यकता जरूर है, अपनों को साथ रखना, बस संयम से कार्य करें, चारों ओर आपका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी परेशानी से मुक्ति भी आपको मिलेगी। बस थोड़ा सा संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ा चिंता है, लेकिन ये शाम आते आते इसका भी निपटारा हो जाएगा। धार्मिक यात्राओं का योग है, उसमें खर्च है, लेकिन ये खर्च खुशी वाला है। थोड़ा सा खान पान के प्रति जागरूक रह गया, कहीं कोई परेशानी है नहीं। क्या करें, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहें, क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े, न मनाएं। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, रुला देने का स्वभाव है नहीं, सेकेंड ओपिनियन ले लेना। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद महादेव को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। यदि विवाह संबंधी परेशानी है तो महादेव को मनाइए, संपूर्ण विवाह संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। लेकिन महादेव को कैसे मनाए कि मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए, तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जल गंगा जल से स्नान कराए, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराए, तत्पश्चात बिलपत्र के तीनों दलों पर पीले चंद्र से ओम नमः शिवाय लिखे और भगवान शिव के ध्यान करते हुए षडाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी, 108 बिलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करी, संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नमो नारायण। और बात करते सोमवार के जीवन मंत्र की। मानव की सोच एक बड़ी जटिल समस्या है और मानव की सोच ने बना दिए हैं कायदे, नियम, सीमाएं बंध गई, बंधन बन गए, जीवन सीमित हो गया, मन के अधीन हो गया है, दिमाग और परमात्मा का कोई मेल नहीं। परमात्मा अनंत है, परमात्मा असीमित है, मुक्त है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है परमात्मा भाई। परमात्मा तो हृदय की बात है और बालक हृदय परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए फिर से बालक बन जाओ, फिर से बालक बन जाओ। और फिर से बालक कैसे बने, तो वो ज्ञान अंजन सदगुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से गुरु भेंट या नानक मन। जब तक सदगुरु की शरणागत नहीं जाओगे ना, तो बालक का हृदय नहीं होगा मेरे मित्रों। नमो नारायण। नमो नारायण। समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, ये समय है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। शनि देवा हरि ओम तत् सत् जय 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 शनि
नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल्पना गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय मंगलवार का राशिफल। हनुमान जी को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय, वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमन है।